हे गाइस व्हाट्सअप नमस्कार, मैं श्रेणी केत आप सबका स्वागत करता हूँ ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल केएम परार ब्लॉग्स। एंड ये वीडियो होने वाला है अबाउट द डिटेल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस विद दिस मोटरसाइकिल द BS6 अपाचे 204V 2021 द सिंचैन DRL टाइप वर्जन, जो मैंने 2.5 साल पहले मार्च 2021 में खरीदी थी। मैंने 70% हाईवे पर एंड 30% डेली सिटी कम्यूट्स में इस मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया। सो इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें मुझे निगेटिव लगे इस मोटरसाइकिल में। आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट कौन सी चीज़ें मैंने अब तक रिप्लेस किया इन दिस मोटरसाइकिल, जो कि आप में से कई लोगों का सवाल था। आफ्टर दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से मुझे अभी भी इस मोटरसाइकिल से अपग्रेड करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। ऑल्सो वन मोर थिंग, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग दिस चैनल। मैं बहुत जल्द इस चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ टू समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। केएम परार ब्लॉग से नाम चेंज होने वाला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके सजेशंस क्या है अबाउट द नेम। एंड ऑल्सो दिस इज दी लास्ट वीडियो इन विच आपको ये मोटरसाइकिल स्टॉक दिखने वाली है। मैंने अब तक काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस अपने अपाचे के ऊपर किए थे, बट फिलहाल बाइक पूरी स्टॉक है, बट बहुत जल्द ये स्टेटस चेंज होने वाला है फॉर एवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ओनरशिप रिव्यू ऑफ द अपाचे 204V BS6। पहले बात करते हैं अबाउट द निगेटिव ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो सबसे पहला निगेटिव यह है इसकी, इस मोटरसाइकिल का जो क्लच है उसका सेंसर एंड क्लच की कुछ सेटिंग्स थोड़ी सी गड़बड़ है, जो कि एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, कई दिनों से चलता आ रहा है। तो होता यह है कि अगर आप गियर में है एंड अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, जो कि हर एक बाइक का कॉमन फीचर है आजकल। बट इस बाइक में कभी कभी ये जो क्लच सेंसर है वो धोखा दे जाता है, बाइक गियर में है, आपने क्लच फुल दबाया है, फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। तो इस सेंसर के साथ डेफिनेटली दिक्कत है एंड आपको उसे निकाल कर थोड़ा क्लीन करना पड़ता है। आफ्टर दैट बाइक स्टॉल होती है। अगर आप एक सिग्नल पर आ रहे हैं या फिर एक हॉल्ट पर आ रहे हैं एंड अगर आप क्लच दबाकर डाउनशिफ्ट करें तो कभी कभी बाइक क्लच दबाते ही इमीडिएटली बंद पड़ जाती है। ये काफ़ी कॉमन इशू है अपाचे 204V के साथ, मेरे बाइक के साथ कभी कभी ये हुआ है। इस बाइक की जो वायरिंग हार्नेस की क्वालिटी है वो काफ़ी बुरी मुझे लगी कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट। तो यहाँ पर ये जो टेपिंग है आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद की है। मैंने एक्चुअली ये हेडलाइट असेंबली काफ़ी बार खोली है एंड खुद मैंने अंदर काफ़ी ज़्यादा टेपिंग की है, जिससे ये कनेक्टर आपको अभी नहीं दिखाई देंगे। अदरवाइज काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये जो कनेक्टर्स है वो इस गैप से निकल आते हैं बाहर एंड इस पैनल पर लड़कर आप जब बाइक का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो अटक कर ऐसा नॉइज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग बात है। एंड सेम ऑन दी अदर साइड अब यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल तो मैंने इसे अंडर टक इन कर दिया है, बट ऐसे कनेक्टर्स डायरेक्ट विजिबल होते हैं बाहर से, स्पेशली यहाँ पर नीचे। यहाँ पर आप टेपिंग देख सकते हैं, वो फ्यूल पंप है उसका वो कनेक्टर है, वहाँ से उस पॉइंट से यहाँ तक 4-5 वायर्स डायरेक्टली एक्सपोज थी जब मैंने बाइक की डिलीवरी ली थी। मैंने खुद वो वायर निकाल के वहाँ पर पूरी टेपिंग की। अब जो लेटेस्ट अपाचेज आ रही है उनमें ये पूरे इंसुलेटेड है, प्रॉपरली कवर्ड है, बट पहले ऐसा नहीं था। एक्सपोज वायर्स है, अगर चूहे ने एक भी वायर काट दी तो आप स्टैंडर्ड हो जाओगे। आफ्टर दैट वी कम टू द स्क्वीकी नॉइज ऑफ द टैंक। तो इसका जो टैंक है मैं आपको सुनाता हूँ, तो टैंक में से काफ़ी वियर्ड स्क्वीकी नॉइज़ आता है। तो ये जो स्क्वीकिंग नॉइज़ है वो 4 लोगों में थोड़ा सा यू नो एम्बेरेसिंग लगता है, आपको ऐसा लगेगा कि बाइक की क्वालिटी इतनी खास नहीं है फिट एंड फिनिश, बट नो ऐसा नहीं है, बाइक की फिट एंड फिनिश काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू सम अदर मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट। आफ्टर दैट वी कम टू अनदर निगेटिव विच इज़ बाइक का डिस्प्ले। येस, आप में से अब कई लोग कहेंगे कि इसके डिस्प्ले में तो बहुत सारे फीचर्स TVS ने दिए हैं, भर भर के दिए हैं, इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा फीचर रिच मोटरसाइकिल बन गई है इन दिस सेगमेंट, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अदर देन सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं इन डे टू डे लाइफ, इवन ड्यूरिंग टूरिंग। जैसे कि ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले है ना, वो कभी कभी ब्लैंक हो जाता है बाइक स्टार्ट करने के बाद, विच इज़ समथिंग विच आई डिड नॉट लाइक। बाइक में 2 ट्रिप मीटर्स आते हैं, बट आफ्टर दैट ये जो लाइफ टाइमर मोड है या फिर 0 to 60 या हाई स्पीड मोड, ये जो चीज़ें हैं ना, दीज आर सिंपली अनवांटेड, अननेसेसरी इन सच मोटरसाइकिल। तो इसमें अगर इन गेमी की चीज़ों की जगह, गेमी की फीचर्स की जगह डिस्टेंस टू MT या फिर एवरेज फ्यूल कंजम्पशन या फिर इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन, ऐसा सब ये डिस्प्ले अगर डिस्प्ले करता तो आई वुड हैव रेटेड इट द बेस्ट इन द सेगमेंट। यस, टॉप स्पीड का जो फीचर है हाई स्पीड मोड, ये आपको थोड़ा सा ब्रैगिंग राइट्स देता है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी प्रीवियस टॉप स्पीड। आफ्टर दैट वी कम टू दिस बटन, ये जो आई बटन है ना, ये अगर आप फ़ोन कनेक्ट करें डिस्प्ले के साथ तभी प्रॉपरली काम करता है एंड लैप टाइमर को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है। अदर देन दैट इस बटन का
कोई भी काम नहीं है दूसरा। अब रॉयल एनफील्ड के जी सीरीज प्लेटफॉर्म में ये जो मोड का बटन है वो यहाँ पर दिया गया है, तो इंस्टेड ऑफ द मोड बटन बीइंग देयर, अगर यहीं पर होता तो राइडिंग के वक्त काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये जो मोड्स है वो चेंज करने हैं तो आप ऑन द गो नहीं कर सकते, जब बाइक आप चला रहे हैं तब ये मोड चेंज नहीं होते, आपको बाइक साइड में रुकानी पड़ेगी एंड जीरो के स्पीड पर ही ये मोड्स चेंज होते हैं, जो कि अगर आपको रिफ्यूल करने के बाद अपने मोड सेट किया है या फिर ट्रिप सेट की है तो ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है। एंड वन मोर थिंग, बजाज अच्छा करता है कि उनके एक भी मोटरसाइकिल में ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट या ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं है। काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स में आजकल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ रही है, डिस्प्ले में नेविगेशन दिखता है ये वो। ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले है यहाँ पर डेफिनेटली नेविगेशन तो दिखता ही है फ़ोन कनेक्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा लैगी है, काफ़ी गिमिकी है एंड वो मैप माई इंडिया ऐप के थ्रू चलता है, जिसे एक साल बाद आपको पैसे देकर रिन्यू करना पड़ता है। अगर वो गूगल मैप्स बेस्ड होता एंड फ्री टू यूज़ होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। सो इंस्टेड ऑफ ऑल दोस गिमिकी फीचर्स, थोड़े और प्रैक्टिकल फीचर्स अगली बार मैं देखना चाहूंगा। अगला सबसे बड़ा निगेटिव इस मोटरसाइकिल का ये है कि इसका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल नॉइज़ करता है, कोल्ड स्टार्ट पर भी एंड इंजन हीट होने के बाद भी इंजन से काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल नॉइजेस आती है, या फिर कभी कभार ऐसा नहीं करना चाहिए बट बिना हेलमेट के बाइक चलाए सिटी में तो एग्जॉस्ट नॉइज़ से ज़्यादा कई बार आपको इंजन की मैकेनिकल नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, जो कि एक थोड़ी निगेटिव इमेज कभी कभी पोर्ट्रे करता है अबाउट द यू नो क्वालिटी ऑफ द इंजन ऑफ द मोटरसाइकिल। आफ्टर दैट ये इशू अब सॉल्व हो चुका है TVS के लेटेस्ट 200 में, बट पहले ऐसा नहीं था, मेरे स्पेसिफिक मोटरसाइकिल के साथ भी नहीं था, विच इज़ की जो इसका साइड स्टैंड है उस पर सेंसर नहीं है, कट ऑफ सेंसर नहीं है। तो मैंने जब बाइक नई ली थी तो पहले 2-3 महीने तो कभी कभी साइड स्टैंड नीचे रह जाता था, फिर भी बाइक स्टार्ट होकर मैं निकल जाता था एंड मुझे दूसरे लोग कहते थे कि भाई आपका स्टैंड नीचे है थोड़ा सा यू नो देख लीजिए। बट अब TVS ने ये इशू रेक्टिफाई कर दिया है उसे साइड स्टैंड सेंसर देकर, बट अभी भी जो बाइक का स्टॉक साइड स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से बाइक बहुत ज़्यादा झुक कर खड़ी रहती है। एंड मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि बाइक थोड़ी अनइवन ग्राउंड पर थी, मैंने साइड स्टैंड पर लगाई एंड बाइक गिर गई। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो क्रैश गार्ड्स है वो चेंज किए, दिस आर द ओरिजिनल रॉनिन क्रैश गार्ड्स, TVS रॉनिन के क्रैश गार्ड इंस्टॉल किए, क्योंकि बाइक के जो जेन्यून क्रैश गार्ड्स थे वो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड एट द सेम टाइम उनका डिज़ाइन ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग राइड पर जाए तो आपके पैर वहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकते एंड वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी नहीं करेंगे बाइक को, मैंने मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से सुना है। इसके अगले कॉन के बारे में बात करें तो इसके जो स्टॉक टायर्स थे जो TVS रिमोरा एंड TVS यूरोग्रिप थे, दे वेर ग्रेट इन ड्राई कंडीशंस, अगर पूरा ड्राई रोड हो तो कॉर्नरिंग में काफ़ी मज़ा आता था, बट देन वो हीटअप होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाते थे एंड इतना ज़्यादा फील्ड एंड फीडबैक आपको नहीं मिलता था। हाईवे पर वो टायर्स बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, एकदम स्ट्रेट लाइन में बाइक चलती थी एंड ऐसा बहुत हाई स्पीड्स पर भी नहीं लगता था लेन चेंज करते वक्त कि यू नो टायर स्किड कर रहे हैं या फिर ट्रैक्शन लूज कर रहे हैं। बट देन अगर थोड़ा भी वेट सर्फेस आ जाए या थोड़ा ग्रेवल आ जाए या ऐसा थोड़ा सा यू नो कच्चा रास्ता आ जाए तो वो टायर जवाब दे देते, इमीजिएटली गाड़ी स्लिप करती थी एंड आप गिर भी सकते हैं, जो कि मेरे साथ एक बार हुआ था। बट देन दैट इज़ समथिंग यू कैन डेफिनेटली चेंज, मैंने रिसेंटली अपने मोटरसाइकिल पर अपोलो के ट्रैम्पलर XRs इंस्टॉल किया है एंड ट्रस्ट मी गाइस, अब तक मैंने इस टायर्स को लगभग 500-600 किलोमीटर चलाया है, दीज टायर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, काफ़ी ऑलराउंडर टायर का परफॉर्मेंस है, लेट इट बी ऑन रोड लेट इट बी ऑफ रोड, बहुत फिनोमिनल ग्रिप एंड काफ़ी फिनोमिनल फीडबैक एंड कॉन्फिडेंस ये टायर्स मुझे दे रहे हैं। अब मैं जब भी हेवी रेंज में बाइक चलाता हूँ ना तो इसका जो इंडिकेटर का स्विच है इसमें पानी चला जाता है, अगर आप क्लोजली देखें तो इसके इंडिकेटर स्विच में काफ़ी ज़्यादा बड़े होल दिए गए हैं तो इसका मूवमेंट फ्रीली हो इसीलिए, बट उसमें पानी घुस गया तो कभी कभी एक आध इंडिकेटर स्टार्ट रह जाता है एकदम कम इंटेंसिटी के साथ, जिससे आपको डर लगता है कि कोई वायरिंग में तो कोई इशू नहीं हुआ। इनकंसिस्टेंट पैनल गैप्स, अगर आप इस पैनल गैप को नोटिस करें तो बाइक की जब मैंने डिलीवरी ली थी तब से लेकर अब तक ये पैनल गैप मैं एडजस्ट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि टैंक की पोजीशन इस पैनल की पोजीशन लगभग फिक्स होती है, आप थोड़ी बार कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये जो पैनल गैप है अगर मैं दूसरी अपाचे देखूँ तो उसमें इस तरफ का पैनल गैप इतना बड़ा नहीं था बट लेफ्ट साइड का ज़्यादा था, मेरा उल्टा है, तो दिस इज़ सम इनकंसिस्टेंसी इन द TVS लाइनअप जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। बट ओवरऑल जो पैनल्स हैं ना बाइक के, उनकी जो पेंट क्वालिटी है, उनकी फिट एंड फिनिश इज़ रियली गुड, बट ये जो बड़ा सा पैनल गैप है वो पॉइंट्स थोड़े कम कर देता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फिट एंड फिनिश, बट स्टिल ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द बॉडी पैनल्स, क्योंकि आप अगर देखें तो पूरे मोटरसाइकिल प्लास्टिक से ढकी है, बट स्टिल अब तक मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड ऑफ रोडिंग करने के बाद भी कहीं से यू नो प्लास्टिक के रैटलिंग का या फिर किसी और अनोइंग नॉइज़ का सामना नहीं करना पड़ा है। यस वन पॉइंट, लगभग 2 साल पहले मैंने ये वीडियो डाला था चैनल पर, ये जो फेंडर एक्सटेंडर है NS200 का मैंने बाइक पर इंस्टॉल किया था विद द हेल्प ऑफ 3M टेप एंड आप में से कई लोगों ने मुझे इंस्टा पर DM किया, काफ़ी सारे वीडियोस में कमेंट किया कि एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकला, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बेली पैन तो ख़राब है बट इंजन तक कीचड़ नहीं उठाए,
बट अपडेट ये है कि मैंने इसे अब बोल्ट कर दिया है। यहाँ पर सेल्फ टैपिंग स्क्रूज मार दिए हैं 3, क्योंकि सिर्फ 3M टेप के भरोसे अगर आप रखे एंड बहुत जोर से खड्डे में गाड़ी गई तो ये डेफिनेटली निकलता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, आपको इसे बोल्ट ऑन करना है अगर आपने इंस्टॉल किया है मेरा वीडियो देखकर। एंड वन मोर बिग नेगेटिव ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज जो सिटी में राइडेबिलिटी है। अगर आप गलती से फोर्थ या फिफ्थ गियर में, इवन थर्ड गियर में सिटी में बाइक को चलाना चाहे एंड कम स्पीड में पिकअप लेना चाहे, तो भाई साहब ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी एंड कभी कभी स्टॉल हो जाएगी कि किसी को लगेगा कोई मेजर इशू आ गया बाइक में। क्योंकि अगर आप फोर्थ या फिफ्थ गियर में हैं एंड 20 के नीचे स्पीड हुई तो डेफिनेटली बाइक स्टॉल होती है या फिर बहुत ज़्यादा झटके मारती है, इसका चेन भी स्लैप करने लगता है। यस, इसकी गियरिंग काफ़ी ज़्यादा टॉल है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है, बट देन आई थिंक कि TVS ने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उनके रॉनिन प्रोडक्ट में, क्योंकि रॉनिन का इंजन प्रिटी मच सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, बट जो ये राइडेबिलिटी है सिटी की हाई गियर्स लो स्पीड्स, वो रॉनिन में काफ़ी बढ़िया तरीके से TVS ने एड्रेस की है। अगर आप लो स्पीड में हाई गियर में पिकअप लेना चाहें तो वो बाइक स्मूथली पुल करती है। तो नेक्स्ट अपडेट में ये चाहूँगा कि TVS इस एस्पेक्ट की तरफ ध्यान दे अबाउट द 204V। अगर स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट की बात करें तो आप अगर मुझे फॉलो करते आए तो आपको पता होगा कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मेरे मोटरसाइकिल के रिप्लेस हुए हैं अंडर वारंटी और थ्रू माय ओन पॉकेट। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द फ्यूल पंप। अब मेरी जो अपाचे 200 है इट बिलोंग्स टू द मार्च 2021 बैच। तब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम था बाइक में कि जो फ्यूल पंप थे वो फर्स्ट सर्विस के बाद या फिर 1000 किलोमीटर चलने के बाद ख़राब हो रहे थे। मेरे बाइक के साथ भी वैसा ही हुआ। मेरे बाइक की सर्विस आफ्टर द लॉकडाउन, द सेकेंड लॉकडाउन, 900 किलोमीटर चली थी। मैंने कभी भी रिजर्व में बाइक नहीं चलाई बट फिर भी आफ्टर फर्स्ट सर्विस 2-3 दिन बाद ही जो फ्यूल पंप है वो ख़राब होने लगा, जवाब देने लगा, रैंडमली गाड़ी बंद पड़ जाती थी। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अंडर वारंटी बट मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर मारने पड़े, चैनल पर उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है। आफ्टर दैट बाइक में एक थर्मल सेंसर होता है जो इंजन का टेम्परेचर हमेशा रीड करता रहता है एंड उस हिसाब से जो चोक होता है फ्यूल इंजेक्शन में चोक होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है उसे कंट्रोल करता है। तो मेरा कुछ दिनों में ख़राब हो गया था। लगभग 1 साल होने के बाद वो जो थर्मल सेंसर है उसमें कुछ फॉल्ट डेवलप हुआ, इसकी वजह से बाइक कोल्ड स्टार्ट हो ही नहीं रही थी एंड अगर आप कोल्ड स्टार्ट कर भी दे तो बहुत ज़्यादा झटके मार मार के आइडल ना होके बाइक बंद पड़ जाती थी। तो वो भी मुझे रिप्लेस करना पड़ा जो वारंटी में नहीं हुआ, क्योंकि पहला 1 साल ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पर बाइक की वारंटी होती है। आफ्टर दैट मेरा जो फ्रंट मास्टर सिलेंडर है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो गया था एंड ब्रेक इतने ज़्यादा प्रॉपरली लग नहीं रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए थे, हद से ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे जो मास्टर सिलेंडर है वो भी रिप्लेस करना पड़ा 6 महीने पहले। बट फॉर्चुनेटली वो वारंटी में रिप्लेस हुआ। आफ्टर दैट मेरा जो इंजन है वो 16,000 किलोमीटर्स पर पूरा रिबिल्ड हुआ है। दिस इज़ समथिंग कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल इन 2023 और 22, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने 2 बड़ी लॉन्ग राइड्स की एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्ग राइड अगर आप टॉप गियर में एक्सेलरेट करें तो एक बहुत ज़्यादा लाउड वाइन आती थी। तो मैंने जब दिसंबर लास्ट ईयर 2022 के दिसंबर में बाइक दिखाई, जब टेक्नीशियन ने पूरा गियर बॉक्स खोला, पूरा इंजन खोला, तो जो फिफ्थ गियर था उसके जो टीथ होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्परफेक्शंस थे जो कि कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है सिर्फ 16,000 किलोमीटर पर, इवन आफ्टर कीपिंग गुड केयर ऑफ द मोटरसाइकिल। बट वो पूरा वारंटी ने सॉर्ट आउट कर दिया। बट देन मेरे बाइक का शुरू से लेकर अब तक टैपेट नॉइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने कॉन्स में भी ये लिस्ट किया था कि बाइक के इंजन से बहुत ज़्यादा नॉइजेस आती है, टैपेट नॉइज़ इसमें से मेन है। 4,000 से 5,000 किलोमीटर के इंटरवल में मैंने हमेशा टैपेट सेट किया है एट दी ऑथोराइज TVS सर्विस सेंटर, बट समहाउ मेरे प्रीवियस सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियन थे उसने गलत टैपेट एक बार सेट किया है। मैंने लॉन्ग राइड मारी, यस 10W50 ग्रेड इंजन ऑयल भी यूज़ किया था, इंजन हेड के सारे कंपोनेंट खराब हो गए, वेयर आउट हो गए एंड मुझे वो रिप्लेस करने पड़े एट 16,000 किलोमीटर्स। कुछ दिनों पहले भी आपने अगर इसके पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 10W40 का कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डाला था, बट वो ऑयल रिप्लेस करते वक्त मैंने इंजन फ्लश भी किया था, जो कि आपको नहीं करना है, विच इज़ वन मोर थिंग यू शुड नोट डाउन। इंजन फ्लश अगर आप करें, थोड़ा सा भी इंजन फ्लश बाइक में रह गया इवन आफ्टर फ्लशिंग द ओल्ड ऑयल विद द इंजन फ्लश, तो वो नए ऑयल को पतला कर देगा एंड आपके जो इंजन हेड के कंपोनेंट्स है या फिर दूसरे कंपोनेंट्स है वो डैमेज कर देगा। तो दूसरी बार फिर से इंजन का जो हेड है वो खुला अभी 15 दिन पहले ही, कैमशाफ्ट हो गया, उनकी बेयरिंग्स हो गई, रॉकर्स हो गए, वो पूरे रिप्लेस हुए अंडर वारंटी फॉर्चुनेटली। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंजन ऑयल चेंज करना है आप करें, बट इंजन फ्लश आप ना यूज़ करें तो ही बेहतर होगा। अब लगभग महीना भर पहले मैंने बाइक की सर्विसिंग की थी एंड कैस्ट्रॉल का ऑयल डाला था, उसके 2-3 दिन बाद ही बहुत वियर्ड नॉइज़ आता था इंजन जब लोड में होता था, तब यू नो इंजन हीट होने के बाद लोड में एक काफ़ी वियर्ड मेटालिक रैटलिंग साउंड करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि एग्जॉस्ट में कुछ इशू है,
क्योंकि BS4 या BS3 160 या 204V का एक इशू था कि एग्जॉस्ट का जो यहाँ पर हेडर होता है उसके अंदर एक सेकेंडरी पाइप होता है, उसके वेल्ड टूटते थे एंड वो रैटल करता था आफ्टर हीटिंग अप। तो मुझे ऐसा लगा कि एग्जॉस्ट से नॉइज़ आ रहा है, तो मैंने सर्विस सेंटर को अप्रोच किया, उन्होंने कहा एंड मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि शायद ये एग्जॉस्ट का इशू है, तो उन्होंने मुझे एग्जॉस्ट रिप्लेस करके दिया वारंटी में, जो कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं था। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि इंजन फ्लश होता है वो थोड़ा सा रह गया जिसकी वजह से इंजन हेड के कंपोनेंट रिप्लेस हुए। अब बाइक ब्रांड न्यू लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जॉस्ट एकदम चमक चुका है, जो एक रस्टी लुक था वो निकल चुका है, बट अननेसेसरी TVS को मेरी वजह से खर्चा हो गया एंड एग्जॉस्ट नोट भी थोड़ा सा बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा क्योंकि अब कार्बन डिपॉजिट होने के बाद एग्जॉस्ट नोट और इम्प्रूव होगा। एंड मैं एक और टिप देना चाहूँगा आपको, अगर आपका लोकल TVS सर्विस सेंटर इतना कोऑपरेटिव नहीं है, आपको वारंटी वो प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली किसी और TVS सर्विस सेंटर में चले जाइए, क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर आपके बाइक की एक भी सर्विस छूटी एंड अगर TVS के डाटाबेस में वो चला गया तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी एंड अननेसेसरी आपको ही बाद में जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर कोई पार्ट का फॉल्ट निकल गया। एंड आप अगर सर्विस सेंटर जाए तो थोड़ा प्यार से बात कीजिए उनसे, क्योंकि उनके ही हाथ में आपको वारंटी देना, थोड़ा सा ठीक से उन्हें समझाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉब्लम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे तो उनके साथ जाइए टेस्ट राइड में, आप खुद बाइक चलाकर उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा ऐसा इशू है। ऑल्सो उन्हें थोड़ा सा टिप कीजिए जो टेक्नीशियन है उन्हें, सो दैट वो और मन लगाकर काम करे, प्रॉपरली आपकी बाइक बना कर दे, क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे वो बहुत कम सैलरी पर आपके जो काम है वो कर रहे हैं एंड अगर आप उन्हें थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे तो वो भी खुश होकर आपकी बाइक का प्रॉपरली काम करेंगे। करते हैं कि आपको कौन से कंपोनेंट्स चेंज करने हैं एट स्पेसिफिक किलोमीटर इंटरवल्स। तो सबसे पहले इंजन ऑयल हो गया, TVS का जो स्टॉक 10W30 True4 सिंथेटिक ऑयल आता है वो सिंथेटिक है बट लोएस्ट ग्रेड सिंथेटिक ऑयल है, तो वो अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, थोड़ा हैवी यूज है आपका, तो 3000 किलोमीटर बाद ही थोड़ा एजिंग के साइन दिखाने लगता है, तो आपको 3 से 3500 किलोमीटर में वो बदलना पड़ेगा, जिसके 800 रुपये लगते हैं एक कैन के, एक 1.2 लीटर के बॉटल के। पर अगर आपका सिर्फ कम्यूटिंग का काम है, आप थोड़े बिगिनर है, स्टूडेंट है, ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पर नहीं जाते हैं, ओकेजनली ब्रेकफास्ट राइड्स ही करते हैं, तो 4 से 4500 किलोमीटर तक आप जो ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं यूजेज को, बट उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑयल चेंज कर दीजिए, तो 800 रुपये ऑयल के, 40-50 रुपये ऑयल फिल्टर के। अब हर 8000 से 10000 किलोमीटर में आपको बाइक का जो एयर फिल्टर है वो डेफिनेटली रिप्लेस करना है, उसे हवा मार के 12000 किलोमीटर तक नहीं चलाना है। बाइक के ओनर मैनुअल में 12000 किलोमीटर का इंटरवल दिया है, बट नहीं, मुझे पर्सनली 10000 किलोमीटर तक ये रिप्लेस करना ही पड़ा है हर बार, तो अब तक मैंने 2 बार एयर फिल्टर भी रिप्लेस करा है। आफ्टर दैट वी कम टू द ब्रेक्स। अब बाइक की जो ब्रेक पैड है उनकी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है, 5 से 6000 किलोमीटर तक ये ख़त्म हो ही जाते हैं, अगर आपका हैवी यूज़ है तो उसके पहले भी ख़त्म हो सकते हैं, आप हिली एरियाज़ में रहते हैं तो 3500 से 4000 में भी ये ख़त्म हो सकते हैं, विच इज़ समथिंग TVS शुड इम्प्रूव इन द नेक्स्ट अपडेट। रियर बैग थोड़ा सा बेटर चलता है, 7 से 8000 किलोमीटर या कभी कभी 10000 किलोमीटर भी चल सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूज़ केस, आपके यूजेज के हिसाब से। फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा फ्रंट का इस्तेमाल करें, तो अगर आपका यूज़ नॉर्मल है तो साल में 2 सर्विसेज आप कर सकते हैं, रेगुलर सर्विस सिर्फ ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज एंड बेसिक सर्विसिंग का आपको लगभग 1500 रुपये खर्चा आएगा, बट अगर आपको ऑयल, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, ब्रेक पैड्स, ये सारे चीज़ों का काम करना है तो 2500 से 3000 रुपये का बजट लेकर चलिए, नॉर्मली इस मोटरसाइकिल का इतना खर्चा आता ही है। आफ्टर दैट क्या क्या बड़ी चीज़ें अब तक रिप्लेस हुई है, तो 20,000 किलोमीटर्स के बाद मेरा जो कोन सेट है उससे कट कट आवाज़ आने लगा था एंड मैंने मेरे दोस्तों से, अपाचियन दोस्तों से भी सुना है, 20,000 किलोमीटर के बाद इसका जो कोन सेट है वो डेफिनेटली आवाज़ करने लगता है एंड अगर आवाज़ करने लगे तो इनिशियल साइंस है कि कोन सेट बहुत जल्द खराब हो सकता है, तो मैंने लगभग 21,000 किलोमीटर्स पर मेरा कोन सेट भी रिप्लेस कर दिया। आफ्टर दैट वी कम टू सम इम्पॉर्टेंट खर्चाज जो मैंडेटरी नहीं है बट अगर आप करें तो इट वुड बी बेटर, विच इज़ आपका ब्रेक फ्लूइड। अब बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है वो बताते हैं कि साल में आपको एटलीस्ट एक बार ब्रेक फ्लूइड रिप्लेस करना चाहिए एट एवरी 10,000 to 12,000 किलोमीटर्स। मेरा जो मास्टर सिलेंडर वो रिप्लेस हुआ था तो फ्रंट ब्रेक फ्लूइड जो है वो लगभग 15-16 हज़ार किलोमीटर पर पहली बार रिप्लेस हुआ था। अब अपाचे 200 की जो चेन है ना वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ये पूरी ब्रास कोटेड चेन है, अभी फिलहाल थोड़ी गंदी है बट प्रॉपर क्लीन करने के बाद बहुत चमकती है एंड अगर आप देखें तो मेरा जो चेन सेटिंग है 22,000 किलोमीटर बाद भी हार्डली 40% तक ही मेरी चेन वेयर आउट हुई है। अब इसका रीज़न क्या है, कैसे मैं बाइक के चेन मेंटेन रखता हूँ एंड कैसे सिर्फ 250-300 रुपये में आपका पूरा चेन सेट आप ब्रांड न्यू करा सकते हो, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो साल भर का लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का बजट लेकर चलिए अगर कोई बाइक ने इशू नहीं दिया तो। वारंटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ तो इंजन की 5 साल की वारंटी होती है, आप रेगुलरली आपका सर्विस कराए
लगभग वो 3 महीने का इंटरवल देते हैं, बट आप 6-6 महीने में सर्विस कर सकते हैं, एक बार ओनर्स मैनुअल देख लीजिए। एग्जॉस्ट मैंने रिप्लेस किया था, तो बाइक का जो एग्जॉस्ट है उसकी 3 साल की एंड 30,000 किलोमीटर की वारंटी होती है। एंड अगर इलेक्ट्रिकल वारंटी की बात करूँ तो फ्यूल पंप, हेडलैम्प, ECU, पूरी वायरिंग हार्नेस, उसकी सिर्फ 1 साल की वारंटी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्पार्क प्लग के बारे में बात करूँ तो आपको लगभग 1 साल में एक बार स्पार्क प्लग हमेशा चेंज करना ही है। 10,000 किलोमीटर बाद आप स्पार्क प्लग चेंज कीजिए, उसकी जो कैप होती है, उसका जो कॉइल होता है वो एक बार इंस्पेक्ट कर लीजिए, इट इज़ बेटर फॉर योर इंजन। यस, कोई दिक्कत तो वो नहीं देगा, बट ओवर द टाइम अगर आप चलाते ही रहे पुराना स्पार्क प्लग तो बाद में दिक्कत आ सकती है। अरे कौन सारी निगेटिव बातें साइड में रखते हैं एंड बात करते हैं अबाउट द पॉजिटिव्स। क्यों मैंने ये मोटरसाइकिल सिलेक्ट करी एंड क्यों अभी भी मुझे ये मोटरसाइकिल अपग्रेड करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी भी इस मोटरसाइकिल को काफ़ी दिन यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, क्यों मैंने अपाचे 200 सिलेक्ट करी कम्पेयर टू ऑल द अदर मोटरसाइकिल। वेल ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर 200cc मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो हैंडलिंग है एंड इसका जो ओवरऑल यूजेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। बट एट द सेम टाइम इसका कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आप 1-2 साल इसे यूज़ भी करें उसके बाद भी आप बोर नहीं होंगे मोटरसाइकिल से। इसका जो बॉटम एंड मिड रेंज ग्रंट है वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयबल है। अगर आप सिटी में बाइक चला रहे हैं तो लो स्पीड्स पर भी अगर आप पिकअप लें इन लोअर गियर्स तो बाइक इमीडिएटली पिकअप लेती है एंड निकल जाती है, बाकी बाइक्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेव करना पड़ता है इंजन। डिस्पाइट बीइंग अ टॉर्की मोटरसाइकिल, इसका जो टॉप एंड है वो इतना ज़्यादा लैकिंग नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो अपर मिड रेंज है ना, बिटवीन 5,000 and 7,000 RPM, उसमें भी अच्छी खासी पावर है इन द स्पोर्ट मोड। इंजन काफ़ी ज़्यादा रेव हैप्पी है बट टॉर्की है, टॉर्की होने के कारण बिगिनर्स को ये बाइक पसंद आती है एंड रेव हैप्पी कैरेक्टर फुल होने के कारण ये एक थोड़े से एक्सपीरियंस राइडर को भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आफ्टर दैट वी कम टू द सेकंड पॉजिटिव, विच इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल। इस बाइक का इंजन एक बार रिबिल्ड हो चुका है एंड मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन इन दिस कैटेगरी, ट्रस्ट मी। येस, ओवर द ईयर्स धीरे धीरे जो वाइब्रेशन है वो बड़े हैं, टैंक पर, फुटपैक्स पर थोड़े ज़्यादा वाइब्रेशन अब मुझे फील होते हैं, बट स्टिल दे आर लेस कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स इन दिस सेगमेंट, जो कि काफ़ी कमेंडेबल चीज़ है स्पेशली टूरिंग के वक्त। एंड डिस्पाइट बींग अ 200cc मोटरसाइकिल, इसका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो माइलेज जो चीज़ है वो बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेली सिटी कम्यूट्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है एज वेल एज ऑन लॉन्ग राइड्स। तो अपाचे 204V अगर आप सिटी में चलाएं, आराम से चलाएं, तो 38-40 का माइलेज आपको इजीली मिलेगा। बट अगर आप इसके टॉर्की नेचर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, थोड़ा पिकअप लेकर सिटी में चलाएंगे, तो 37-38 का माइलेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड हाईवे पर अगर आप अंडर 100 क्रूज करें 95-100 के रेंज में एंड हमेशा हार्ड एक्सेलरेट ना करें, तो अप टू 42-44 का माइलेज भी मुझे इस मोटरसाइकिल ने दिया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आपका जो टैंक रेंज है एंड ओवरऑल एक्सपेंस है लॉन्ग राइड्स में वो काफ़ी कम ये मोटरसाइकिल करती है, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फन वाइल राइडिंग। नेक्स्ट थिंग इज बाइक का हेडलाइट। ट्रस्ट मी गाइज, अदर दैन द डोमिनार 400 एंड पल्सर N250 या F250, इसका हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी काफ़ी लेट हो चुका है इवनिंग में, घर जाते वक्त मैं मोटो व्लॉगिंग में आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। इसका हेडलाइट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस सेगमेंट एंड ओवरऑल एक बजट सेगमेंट में इसका हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लो बीम में आपको अच्छा खासा रोड दिखता है एंड हाई बीम में भी काफ़ी दूर तक काफ़ी बढ़िया स्प्रेड है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंटेंसिटी है। ये सिटी में स्ट्रीट लाइट्स में ये हेडलाइट गायब हो जाता है, बट देन स्ट्रीट लाइट के अंदर आपको हेडलाइट की ज़रूरत ही क्या है, तो दैट इज़ वन मोर पॉजिटिव थिंग। द नेक्स्ट थिंग इस बाइक का हॉर्न। अब काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स में जो स्टॉक हॉर्न होते हैं वो लिटरली एक्टिवा टाइप हॉर्न होता है, कीक कीक आवाज़ करते हैं एंड आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि इमीडिएटली हॉर्न को रिप्लेस कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड है गाइस। एंड इसका जो क्लियरिटी है, इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता ही नहीं कि एक स्टॉक हॉर्न है। हाईवेज पर भी आप अच्छा खासा अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं इस हॉर्न के साथ। एंड द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस मोटरसाइकिल अकॉर्डिंग टू मी इज इट्स एग्जॉस्ट नोट। इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल एग्जॉस्ट नोट्स आउट देयर इन द मार्केट, क्योंकि एक्सेप्ट सम पल्सर्स NS या RS 200 या फिर डोमिनार्स या फिर महिंद्रा मोजो, अदर देन दीज मोटरसाइकिल्स, अपाचे 200 का एग्जॉस्ट नोट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडियन मार्केट टिल नाउ। अगर आप किसी सिग्नल को अप्रोच कर रहे हैं
एंड मैं तो जानबूझकर जब एग्रेसिवली डाउनशिफ्ट करके रेव मैच करके यू नो सिग्नल पर अराइव करता हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं एंड मुझे आने के बाद अराइव होने के बाद पूछते हैं कि भाई ये कितने सीसी की मोटरसाइकिल है। एंड ऑल्सो अगर आप किसी गली से गुजर रहे हैं तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो रिवर्बरेट होता है, काफ़ी लोगों का अटेंशन वंस अगेन ग्रैप करता है, किसी को लगता है ये एक बड़ी मोटरसाइकिल आ रही है। दैट इज़ वन मोर पॉजिटिव ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इस मोटरसाइकिल के नाम में इसका अगला पॉजिटिव लिखा है विच इज़ RTR विच स्टैंड फॉर रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। TVS ने इस मोटरसाइकिल का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना वो इतना एग्रेसिव, इतना क्रिस्प रखा है, इतना इमीडिएट एंड क्विक रखा है कि आपको क्या बताऊं। आप यहां पर देख सकते हैं थ्रॉटल देने में एंड इंजन रिस्पॉन्स करने में इतना कम डीले है, इतने परफेक्टली आप जो डाउनशिफ्ट है उसे नेल कर सकते हैं कि आपको क्या बताओ। क्लच तो सॉफ्ट है ही बाइक का काफ़ी ज़्यादा, बट बिकॉज ऑफ द सुपर एग्रेसिव एंड क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स डाउनशिफ्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कंबाइंड दैट विद द एग्जॉस्ट नोट ये बाइक बहुत ज़्यादा कैरेक्टरफुल लगती है आपको आप जब एग्रेसिवली चलाते हैं। इवन ड्यूरिंग कॉर्नरिंग आप जब कॉर्नर एग्जिट करके थ्रॉटल देते हैं इमीजिएटली आपको टॉर्क मिलता है जो कि बॉटम एंड में काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया गया है इस इंजन के साथ। एंड यू कैन जस्ट शूट आउट ऑफ द कॉर्नर लाइक नथिंग एल्स। एंड येस इसके जो राइडिंग मोड्स है अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट, इसमें डेफिनेटली आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स में भी डिफरेंस फील होता है क्योंकि अर्बन एंड रेन मोड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा डायल बैक है बट स्पोर्ट में इट गोज ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल सेगमेंट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बाकी बातें चलते चलते करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगले पॉजिटिव्स की बात करें तो बाइक का गियर बॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। मैंने अब तक जापानीज़ मोटरसाइकिल्स भी चलाई है बट इतना स्मूथ गियर बॉक्स मुझे आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ इस सेगमेंट में। फ्रॉम 160 टू 250 मुझे अभी भी अपाचे 200 का गियर बॉक्स बेस्ट लगता है, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग है। थोड़ा सा आपने एफर्ट कम दिया तो कभी कभी फॉल्स न्यूट्रल्स होते हैं। स्लीपर क्लच काफ़ी इफेक्टिव है बाइक का, अगर आप एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करें इवन इन रफ कंडीशंस ऑफ रोडिंग में भी तो बहुत ज़्यादा व्हील लॉकअप नहीं होता, इनिशियली थोड़ा लॉक होके फिर से व्हील को वो रिलीज कर देता है। अब बात करते हैं अबाउट द बिगेस्ट प्रो ऑफ दिस मोटरसाइकिल, पॉजिटिव ऑफ दिस मोटरसाइकिल विच इज़ द टूरिंग एबिलिटी। ट्रस्ट मी गाइस, अपाचे 200 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल 200 सीसी मोटरसाइकिल्स क्योंकि इसका जो गियर बॉक्स है ना डिस्पाइट बींग अ 5-speed गियर बॉक्स ये एक 6-speed गियर बॉक्स की तरह परफॉर्म करता है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज इस बाइक का टॉप एंड इतना स्ट्रांग नहीं है, 7000 RPM के बाद इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस बाइक में नहीं है तो जो टॉप गियर है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल रखा गया है एंड जो 100 की स्पीड है ना वो 7000 RPM के जस्ट नीचे बाइक क्रूज करती है तो आपको स्टिल थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिलता है इवन इन द टॉप गियर। अगर आप ट्विस्ट करें तो आप देख सकते हैं कि बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करती, स्मूथली पिकअप ले लेती है। गियर टॉल होने के कारण RPMs थोड़े कम है कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स विद 6-speed गियर बॉक्स एज वेल, जिसकी वजह से इंजन रिलैक्स चलता है। बाकी बाइक्स में 100 की स्पीड पर एटलीस्ट 500 टू 1000 RPM हायर इंजन रेव करते हैं दूसरे बाइक्स के तो अपाचे 200 का इतना अच्छा माइलेज 42 से 44 देने का एक और रीज़न ये भी है कि इसका जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा ज़्यादा टॉल है कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। अगर टूरिंग के वक्त इंजन के रिफाइनमेंट की बात करें 75 टू 85 के बीच में इंजन थोड़ा सा रफ आपको फील होगा विच इज़ कॉमन इन सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल, एक पर्टिकुलर स्पीड पर वो थोड़ा एक्स्ट्रा वाइब्रेट करते हैं बट देन अगर आप 85 क्रॉस करें एंड 95 टू 100 के स्वीट स्पॉट में बाइक चलाए तो फुटपैक्स पर थोड़े वाइब्रेशंस है यस बट दे आर नॉट बॉदरसम, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है हैंडल बार पर, सीट पर स्पेशली बहुत कम वाइब्रेशंस फील होते हैं। मैंने 750 किलोमीटर्स मैक्स अब तक किया है अपना मोटरसाइकिल एंड ये रिकॉर्ड हम बहुत जल्द ब्रेक करने वाले हैं विद वन मोर लॉन्ग राइड कमिंग वेरी सून ऑन द चैनल, स्टे ट्यून फॉर दैट। आफ्टर दैट वी कम टू वन मोर पॉजिटिव विच इज़ द सीटिंग पोस्चर ऑफ द मोटरसाइकिल। अब TVS ने इस मोटरसाइकिल को एक स्पोर्टी नेकेड की तरह मार्केट किया है एंड यस दे आर ट्रू, बाइक का जो सीट है ना राइडर का सीट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब तक नॉनस्टॉप 200 किलोमीटर्स बाइक चलाई है एंड बहुत कम बार ऐसा हुआ कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, तो राइडर की सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है स्पेशली इन द BS6 वर्जन बट पिलियन की सीट जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप है जिसकी वजह से पिलियन को दिक्कत हो सकती है एंड इसके जो फुटपैक्स है ना वो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि मेरी हाइट 5'8" है, एवरेज हाइट का मैं हूँ तो ये जो फुटपैक की पोजीशन है वो थोड़ी सी रियर सेट ज़रूर है, थोड़ी हाई सेट ज़रूर है बट लॉन्ग राइड के वक्त ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि आपके जो लेग्स है वो आपके बॉडी को, आपके टॉर्सो को काफ़ी बढ़िया सपोर्ट करते हैं एंड आपकी जो बैक साइड है, आपका जो बम है वो इतना ज़्यादा पेन नहीं करता है
अगर ये थोड़े फॉरवर्ड सेट होते तो यस थोड़ा सपोर्ट कम आता एंड आपको थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो सकता था, बट अगर आप बीच बीच में स्ट्रेचिंग करें तो ही वो अच्छे है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशन घंटों तक आप नहीं मेंटेन रख सकते विदाउट मूविंग योर लेग्स। इसका जो स्टॉक क्लिप-ऑन हैंडल बार से वो बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है, उनकी हाइट काफ़ी डिसेंट है एंड विड्थ भी अच्छी है फॉर लॉन्ग राइड्स। बट देन कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स इसका जो टैंक है ना उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, आई मीन सीट टू जो हैंडल बार है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा झुक कर बैठना पड़ता है, आपको हैंडल बार की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा यू नो झुकना पड़ता है। तो इसका सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव है बट नॉट सो मच कि आपको लॉन्ग राइड्स में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े। बट जब आपको अच्छी खासी लॉन्ग राइड्स करनी है आपके बाइक के साथ तो आपको डेफिनेटली हैंडल बार राइजर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंड गाइस अगला वीडियो हैंडल बार राइजर्स पर होने वाला है एंड सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं लॉन्च होने वाला है हैंडल बार सेटअप का। वन मोर थिंग, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या बैटरी में इशू आया है, तो नहीं अब तक फिंगर्स क्रॉस्ड टचवुड बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। अब इसके पीछे रीज़न यह है कि मैं हमेशा माइंडफुल रहता हूँ अबाउट द बैटरी यूजेज ऑफ माई मोटरसाइकिल। अगर मैं सिग्नल पर हूँ एंड एक मिनट से ऊपर अगर सिग्नल रेड है तो इमीडिएटली इग्निशन भी ऑफ होता है एंड की भी ऑफ होती है, जिसके कारण मैंने बैटरी अब तक काफ़ी अच्छे कंडीशन में रखी है। अब बात करते हैं अबाउट द हैंडलिंग एंड द सस्पेंशन सेटअप ऑफ द मोटरसाइकिल। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन मोर थिंग विच स्टिल मेक्स मी फॉल इन लव विद दिस मोटरसाइकिल, क्योंकि TVS ने बहुत क्लेवरली इस बाइक की जो ज्योमेट्री है, बाइक का सस्पेंशन सेटअप वो डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से बाइक की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा शार्प है। आप इमीडिएटली डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, सिटी में काफ़ी फ्लिकेबल है ये मोटरसाइकिल, जस्ट 152 किलोस की है, बट आपकी जो राइड क्वालिटी है वो TVS ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। अब बाइक के साथ एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं तो मेरे हिसाब से मैंने सस्पेंशन सेट किया है, फ्रंट फोक मैंने स्टिफेस्ट सेटिंग पर रखे हैं प्रीलोड के। अब ये प्रीलोड क्या होता है आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं कैसे आपको आपके अपाचे का सस्पेंशन सेट करना है। फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी सारे शॉक्स एब्जॉर्ब करता है एंड आपको बहुत कम फील होता है फ्रॉम द फ्रंट एंड अगर आप ख़राब रास्तों पर जाए, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा वॉलो ही नहीं है, ब्रेक डाइव बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर कॉर्नरिंग के वक्त ये अनस्टेबल नहीं करता बाइक को। एंड अगेन बाइक का जो रियर सस्पेंशन है ना, इट इज़ एन एब्सोल्यूट जेम, बिकॉज अपाचे का रियर सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, आपको ख़राब रास्तों पर या इवन सिटी में जो कंक्रीट के रोड्स होते हैं थोड़े से अनइवन उस पर काफ़ी ज़्यादा बाइक आपको उछालती है, हमेशा आपको अनस्टेबल और अवेक रखती है बेसिकली। बट देन अगर आप हाईवे पर चलाते हैं ना बाइक 110, 115, 120 पर अगर आप कॉन्स्टेंट क्रूज करें बाइक रॉक सॉलिड रहती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। एट द सेम टाइम कॉर्नरिंग के वक्त भी बिकॉज ऑफ द स्टिफ रियर सस्पेंशन बाइक कॉर्नर लेते ही बहुत स्टेबल बिहेव करती है, तो सस्पेंशन सेटअप काफ़ी बैलेंस्ड है। इट इज़ स्टिफ बट प्रिटी कंफर्टेबल एट द सेम टाइम फॉर द फ्रंट एंड एंड रियर आप थोड़ा सा प्रीलोड एडजस्ट करके आपके हिसाब से थोड़ा फार कंफर्टेबल कर सकते हैं, बट नो खराब रास्तों पर जाए तो डेफिनेटली आपको ये उछालेगा। इन ऑल जस्ट लाइक द इंजन परफॉर्मेंस सस्पेंशन सेटअप भी एक काफ़ी ऑलराउंडर कैपेबल पैकेज है। वन मोर बिग पॉजिटिव ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज द कूलिंग। अब ये एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन है जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है, बिकॉज डिस्पाइट राइडिंग इन हैवी समर हीट ये इंजन काफ़ी कूल रहता है। हैवी ट्रैफिक में भी अगर आप चलाएं तो इतना ज़्यादा हीट नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा हीट फील नहीं होती आपके पैरों पर, जो कि कुछ और लिक्विड कूल मोटरसाइकिल्स के बारे में हम नहीं कह सकते। टूरिंग के वक्त भी आप लगातार बाइक चलाएं 150-200 किलोमीटर फिर भी आपको हीट महसूस नहीं होती है पैरों पर एंड इन जनरल इंजन काफ़ी कूल रहता है, तो दैट इज़ वन मोर ग्रेट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो इसके ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। जो फ्रंट ब्रेक है ना उसकी बाइट एकदम शार्प नहीं है, एकदम इनिशियल बाइट एकदम तगड़ी नहीं है, बट स्टॉपिंग पावर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रोग्रेसिवली जो ब्रेक प्रेशर है वो यू नो बनता है एंड यू कैन ब्रेक प्रिटी हार्ड इन इमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशंस। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, सैडलिंग कर रहे हैं, तो बिकॉज इसमें स्विचेबल ABS नहीं आता तो आप स्लाइड्स नहीं कर सकते एंड कभी कभी ABS इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि ऑफ रोडिंग में दोनों ब्रेक्स कभी कभी यू नो बंद हो जाते हैं क्योंकि टायर का कॉन्टैक्ट नहीं रहता एंड आप सीधे घुस सकते हैं भाई। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये बाइक एकदम टॉप एंड परफॉर्मेंस एंड आउटराइट पावर के लिए ले रहे हैं तो मत लीजिए, आप डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि बाकी बाइक्स की तरह इसका जो इंजन है वो टॉप एंड रश के लिए नहीं जाना जाता, मिड रेंज ही इसका अच्छा है। इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो अपाचे 204V एक काफ़ी केपेबल टूरिंग मोटरसाइकिल है फॉर अ बिगिनर हु इज़ राइडिंग एट अ 95-105 पेस। सिटी कम्यूटिंग के हिसाब से इट इज़ अ परफेक्ट मोटरसाइकिल, काफ़ी बढ़िया टॉर्क है, काफ़ी बढ़िया इनिशियल एक्सेलरेशन है, माइलेज भी काफ़ी बढ़िया देती है गाड़ी कंसिडरिंग द 200cc कैपेसिटी, आप 38 से 42 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड अगर हाईवे पर कंटिन्यूसली 110, 115 के ऊपर क्रूज़ किया तो 33-35 एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
विच इज स्टिल बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर 200cc मोटरसाइकिल्स। अगर सर्विसिंग की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो यस ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स, क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं। एंड ऐसा नहीं होगा कि साल भर में आपने सिर्फ रेगुलर सर्विसेज की हो, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो सकता है। क्योंकि TVS का मैंने देखा है कि काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है, कुछ बाइक्स बहुत बढ़िया निकलती है, कुछ बाइक्स में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। सो एज लॉन्ग एज आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ना करें आपके मोटरसाइकिल के साथ, यू विल बी गुड टू गो। एंड बिकॉज ऑफ द यू नो मल्टी कलर्ड परफॉर्मेंस, मुझे अब तक ये बाइक इतनी ज़्यादा पसंद है एंड मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ बिकॉज ऑफ द बिगिनर फ्रेंडली परफॉर्मेंस एंड स्टिल अ गुड अमाउंट ऑफ अपील टू डिसेंटली मैच्योर्ड राइडर।